मोस्ट अवेटेड एनिमे ऑफ 2024 सोलो लेवलिंग के कुछ ही एपिसोड्स रिलीज हुए हैं और एनिमे फैंस पागलों की तरह इसे बेस्ट एनिमे ऑफ द डिकेड ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि सोलो लेवलिंग का इंतजार लोग सालों से कर रहे थे। ये एनिमे बेसिकली एक मानहुआ कॉमिक पर बेस्ड है जिसके बनने की शुरुआत 2016 में हो गई थी। 2020 आते आते जब इसके सारे चैप्टर्स रिलीज हो गए तब तक इसकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में पहुंच गई थी। आज भी मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो ये एनिमे देख रहे हैं ना वो भी मानहुआ फैंस ही है। बाय द वे मानवा एक तरह का मांगा की तरह ही होता है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड और कलरफुल होता है। अब मेरी पहली मानवा कॉमिक भी सोलो लेवलिंग की ही थी। अब जब मार्केट में एक नया एनिमे टेक ओवर कर रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि जुजुत्सु काइसन और डेमन स्लेयर जैसे एनिमेस पीछे रहने वाले हैं? वेल, आखिर क्यों सब लोग सोलो लेवलिंग को जुजुत्सु काइसन और डेमन स्लेयर से बेहतर बता रहे हैं और क्यों आपको किसी भी हालत में ये एनिमे मिस नहीं करना चाहिए? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे मुताबिक चार चीजें हैं जो इन तीनों एनिमेस को अपने लीग का सबसे बेस्ट एनिमे बना देते हैं। इमर्सिव वर्ल्ड एक्सपीरियंस। देखो मैं चाहता हूं कि आप एक सेकंड के लिए शांति से बैठिए और ये सोचिए कि आखिर क्यों आपको और आपके जैसे करोड़ों लोगों को जुजुत्सु काइसन और डेमन स्लेयर इतना ज्यादा पसंद है। चलिए मैं बताता हूं, सिर्फ एक ही रीजन है जिस वजह से ये दोनों एनिमेस इतना पॉपुलर है और वो है इसका इमर्सिव एंड इंटरेस्टिंग वर्ल्ड एक्सपीरियंस। देखो डेमन स्लेयर एक ऐसी दुनिया के बारे में है जहां पर खतरनाक डेमन्स इंसानों को मारकर खा जाते हैं। वहीं इसी दुनिया में डेमन स्लेयर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो इन डेमन्स को खत्म करने का जॉब करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, डेमन स्लेयर की दुनिया में बेहद ही लाजवाब तरह के पावर्स भी एग्जिस्ट करती है जैसे कि ब्रीदिंग स्टाइल्स और ब्लड डेमन आर्ट्स। अब आप ही बताइए कि उज़ुई की साउंड ब्रीदिंग टेक्निक और स्वॉर्ड फाइटिंग स्टाइल किसे पसंद नहीं आएगी, या अकाजा का ब्लड डेमन आर्ट जो कि पावरफुल होने के साथ साथ ब्यूटीफुल भी है। ये जो पावर्स का कॉन्सेप्ट है ना इसने डेमन स्लेयर को बेहद ही अट्रैक्टिव बना दिया। और तो और हर एक कैरेक्टर अपने अलग ब्रीदिंग स्टाइल्स और ब्लड डेमन आर्ट्स का इस्तेमाल करता है। एक तरह से हम सब सस्पेंस में है कि फ्यूचर में आने वाले कैरेक्टर्स के पास कौन सी टेक्निक्स होगी। एग्जैक्टली यही केस जुजुत्सु काइसन के साथ भी है। जुजुत्सु काइसन की दुनिया में कर्स्ड स्पिरिट्स एग्जिस्ट करता है और उन कर्स्ड स्पिरिट्स को मारने का काम जुजुत्सु सॉर्सरर्स करते हैं। लेकिन हर कर्स्ड स्पिरिट और हर जुजुत्सु सॉर्सरर की पावर एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है। एक तरफ मेगुमी है जो अपने 10 शैडो शिकिगामी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, तो वहीं पर दूसरी तरफ सुकुना जैसे गॉड लेवल बीइंग्स है जो अपने डोमेन एक्सपेंशन से किसी को भी खत्म कर सकते हैं। बेसिकली एनिमेज में इतने वास्ट नंबर ऑफ चीजें हैं ना कि आप कभी भी बोर नहीं होंगे। लेकिन सोलो लेवलिंग तो इन सब का बाप है। सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में ब्लू कलर के ग्लास एग्जिस्ट करते हैं जो हमें एक ऐसी अल्टरनेट दुनिया में ले जाते हैं जहां पर मॉन्स्टर्स का घर है। अब इन मॉन्स्टर्स को मारने का काम हंटर्स का है। देखो बेसिकली गेट अपीयर होने के 7 दिन बाद गेट ब्रेक का फिनोमेना होता है जिससे अंदर मौजूद मॉन्स्टर्स इंसानी दुनिया में आ जाते हैं, इसलिए वो होने से पहले ही उन मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा। अब हंटर्स इन गेट्स के अंदर जाकर मॉन्स्टर को खत्म करते हैं लेकिन हर गेट के अंत में एक बॉस मॉन्स्टर भी होता है जिसे खत्म करने के बाद ही वो गेट बंद होता है। अब ये ब्लू कलर के गेट्स कहीं भी किसी भी वक्त अपीयर हो सकते हैं और तो और इन सभी गेट्स को एक रैंक भी असाइन किया जाता है जिसके मुताबिक ही हंटर्स को अंदर जाने की परमिशन मिलती है। अब रैंक ई वाले गेट सबसे कमजोर होते हैं जहां कमजोर हंटर्स जाते हैं, वहीं रैंक एस वाले गेट्स में सिर्फ एस लेवल के हंटर्स ही जिंदा बचकर वापस आ सकते हैं। इन गेट्स के अंदर हंटर्स को बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें भी मिलती है जिन्हें बेचकर वो पैसे कमाते हैं। है ना ये कॉन्सेप्ट बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब दूसरी चीज जो सोलो लेवलिंग को इतना बेहतर बनाती है वो है इसकी एपिक स्टोरी। देखो सीरीज का मेन कैरेक्टर है सुंग जिन वू। सुंग अपनी दुनिया का सबसे फेमस हंटर है लेकिन वो इसीलिए फेमस है क्योंकि वो अपनी दुनिया का द वीकेस्ट हंटर है। जी हाँ, द वीकेस्ट, और इसे हम दुनिया का सबसे कमजोर हंटर बुलाते हैं। सुंग इतना वीक है ना कि वो एक ई लेवल के गेट के अंदर से भी बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर बाहर आता है। अब कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि कुछ 10 हंटर्स मिलके एक डी लेवल के गेट के अंदर घुसते हैं। इसमें हमारा मेन हीरो सुंग जिन वो भी है। अब एक चीज बता दूं कि इन हंटर्स की पार्टी में भी बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं। कुछ लोग हीलर्स का काम करते हैं, वहीं कुछ लोग के पास मैजिकल पावर्स होती है। अब होता यह है कि इस डी लेवल के गेट के पूरा क्लियर करने के बाद उन्हें अंदर एक और गेट मिलता है। बिना ज्यादा सोचे वो इस गेट में भी घुस जाते हैं और बस वहीं से उनका हॉरर शुरू हो जाता है। बेसिकली वो एक ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जहां एस लेवल से भी ज्यादा ताकतवर एक मॉन्स्टर या यूं कहिए कि एक गॉड बैठा हुआ होता है। अब ये गॉड उन लोगों को एक ही बार में नहीं मारता बल्कि उनसे बहुत सारी अलग अलग चीजें करवाते हैं। जितने भी लोग वहां जिंदा बसते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुंग जिन वू की वजह से बसते हैं और अंत में सिर्फ वो ही एक अकेला उस रूम में बच जाता है। लेकिन मरने से जस्ट पहले वो पावरफुल गॉड उसे सोलो
सोलो लेवलिंग की पावर्स ग्रांट कर देता है, या ऐसा कह लीजिए कि उसे वरदान दे देता है। अब अगली बार जब सुंग जिन वू की आंखें खुलती है ना, तो वो हॉस्पिटल में होता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी स्क्रीन होती है जैसे कि किसी गेम में होती है। अब धीरे धीरे सुंग जिन वू को पता चलता है कि उसे लेवल अप करने की पावर्स मिल गई है, यानी कि जैसे जैसे वो उस स्क्रीन पे लिखे गए टास्क को खत्म करेगा, वैसे वैसे उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, स्टैमिना सब कुछ बढ़ता जाएगा। अब आप ही बताइए कि अगर स्टोरी की शुरुआत इतनी धांसू होगी तो किसे ये पसंद नहीं आएगा। अब मानव फैंस तो ऑलरेडी ये बात जानते होंगे कि अपनी इस लेवल अप की पावर से सुंग जिन वू कितना ज्यादा ओपी कैरेक्टर बन जाता है। आगे की स्टोरी तो और भी ज्यादा जबरदस्त है, जिसे मैं एनिमे फैंस को बता के स्पॉइल नहीं करना चाहता। कैरेक्टर्स, दोस्तों आप में से कितने लोगों को वो मोमेंट याद होगा जब तांजीरो को हाशिराज के सामने पहली बार ले जाया गया था। देखो वो सीन सच में बेहद ही एपिक था। एक्चुअल में हमें उस एपिसोड में पता चला था कि डीमन स्लेयर की दुनिया कितनी ज्यादा बड़ी है और कितने सारे कैरेक्टर्स हैं जो डीमंस को टक्कर देने की पावर रखते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि हाशिरा मीटिंग आर्क के बाद से डीमन स्लेयर के फैंस दुगने हो गए थे। अब जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड में भी इतने वाइड रेंज के कैरेक्टर्स है ना कि आप कभी भी बोर नहीं हो सकते। सिर्फ शिबुया आर्क में ही गोजो, नानामी, मेगुमी, यूजी, सुकुना, माओरागा, तोजी और इतने सारे दूसरे कैरेक्टर्स एक साथ लड़ते हैं कि आपका इंटरेस्ट हर मिनट बना रहेगा। लास्ट एपिसोड में ही यूटा की भी एंट्री होती है, जो एक और बेहद ही लेजेंडरी मोमेंट है। सोलो लेवलिंग तो अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन मैं अभी से आपको बता सकता हूँ कि इसमें इतने सारे पावरफुल कैरेक्टर्स और विलेंस आने वाले हैं ना कि आगे आने वाला हर एपिसोड आपको शॉक कर देगा। एस रैंक हंटर्स तो अपने आप में अलग लेवल के कैरेक्टर्स है। उसके बाद तो सुंग जी वो भी इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सोलो लेवलिंग के अलग अलग कैरेक्टर्स को देखने के लिए आपको अच्छा खासा इंतजार करना होगा, लेकिन अगर आपसे रहा नहीं जा रहा है ना, तो तुरंत जाकर मानवा पढ़ लो। एक्शन सीन्स, दोस्तों सबसे आखिरी चीज जो इन एनीमे में कॉमन है वो है एक्शन सीन्स। अब देखो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि डीमन स्लेयर के एक्शन सीक्वेंसेस और एनिमेशन कौन से लेवल के हैं। पर्सनली उजुई वर्सेस ग्योटारो फाइट और रेंगोकू वर्सेस अकाजा की फाइट वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीन्स में से एक है। वहीं जुजुत्सु काइसन भी इस मामले में पीछे नहीं है। आपने शिबुया आर्क में तोजी वर्सेस दागन की फाइट को भी जरूर देखी होगी, उसका एनिमेशन तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का था। अब अगर सोलो लेवलिंग की बात करूं तो अब तक मुझे इसके एनिमेशन ने बेहद खुश किया है, यहां तक कि ब्रूटल एंड ब्लड वाले सीन्स को भी बहुत अच्छे से एनिमेट किया गया है। अब एक्शन सीन्स भले ही ज्यादा ना आए हो, लेकिन अब तक जितने भी आए हैं उन्हें ब्रिलियंट की कैटेगरी में आराम से रखा जा सकता है। सोलो लेवलिंग बेशक 2024 का बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर बन सकता है, लेकिन सिर्फ 5 से 6 एपिसोड्स देखकर हम उसे जुजुत्सु काइसन और डीमन स्लेयर से कंपेयर नहीं कर सकते। अब मेरे ख्याल से ना, अगर इसे थोड़ा और टाइम दिया गया तो आगे चलकर सब सिर्फ इसी एनिमे की बात कर रहे होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आपने इस एनिमे को अभी तक देखा है, अभी तक स्टार्ट किया है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने राय जरूर लिखकर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।